नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 1 आराधना काव्य के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कार्य की शुरुआत किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या स्कूल में कोई भी प्रसंग हो, उस प्रसंग की शुरुआत कैसे की जाती है, तो कि भगवान या माँ देवी सरस्वती की प्रार्थना से की जाती है। तो यहाँ पर भी कक्षा 9 में अभ्यास की शुरुआत में आराधना नामक काव्य इस प्रार्थना से ही यहाँ अभ्यास की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर हम आज आराधना नामक काव्य के बारे में समझदारी प्राप्त करते हैं, जिसके कवि हैं श्री बसंत बापट। इनका जन्म 1922 में हुआ था और निधन 2002 में हुआ था। श्री बसंत बापट ख्यात नाम कवि हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है, यानी कि बसंत बापट की ये जो उन्होंने लेखन कार्य किया है वो कहाँ से किया है, कर्मभूमि यानी कि लेखन कार्य पुणे से उन्होंने किया है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, राष्ट्र सेवा दल में यानी कि सैनिक, ये जो दल होता है सैनिक दल, उसमें उन्होंने सेवा की। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे, यानी कि उनका व्यवसाय क्या था, तो कि प्राध्यापक अध्यापक थे वो, प्राध्यापक यानी कि कॉलेज में प्राध्यापक थे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। उनकी काव्य का विषय क्या है, तो कि राष्ट्रभक्ति को लेकर, समाज में जागृति लाने के लिए और मानवीय संवेदना यानी कि मानव की संवेदनाएं, जो एक दूसरे की जो वेदना होती है उसको अपनी ही वेदना है ऐसा समझकर एहसास करना, उसे कहते हैं संवेदना, अनुभव करते हैं उसे कहते हैं संवेदना। तो उनके काव्य का मूल विषय ये रहा। उनके काव्य ग्रंथों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में देखें तो सेतु, बिजली, शकीना, अकरावी यानी कि 11वीं, दिशा, तेजसी, उनकी काव्य रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो काव्य कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं की हैं उन्होंने, तो ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। अब हम इस काव्य में क्या कहा गया है, इस काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, इस काव्य में क्या छिपा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसका निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो कि इस प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मराठी से अनुदित है यानी कि मराठी भाषा में मूल ये रचना लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा में उसको, इसका अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम इस लेखक कवि परिचय को समझने के बाद उसका भावार्थ, उसका संक्षिप्त काव्य में क्या कहा गया है, क्या निष्कर्ष है, उसकी चर्चा करने के बाद अब हम उसकी काव्य पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। तो इस काव्य पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है। इस काव्य पंक्तियों में समझने से पहले हम इस काव्य का सबसे पहले उसका पठन करते हैं। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना,
वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ काव्य का पठन। इस काव्य के पठन के जरिए हमें ये समझने को मिलता है तो कि इस काव्य में ऐसे शब्द दिए गए हैं कि जो इस काव्य को भगवान से प्रार्थना करने के योग्य बनाया गया है, यानी कि इस काव्य में भगवान से प्रार्थना की गई है ऐसा प्रतीत होता है। तो ये किन किन शब्दों से इस काव्य में प्रार्थना की गई है भगवान से, तो उस शब्दों को हम देखते हैं तो कि सबसे पहला शब्द है प्रार्थना, दूसरा शब्द है आराधना, तीसरा शब्द है मनकामना, चौथा शब्द है संवेदना, पांचवा शब्द है साधना, छठा शब्द है भावना और सातवां शब्द है उपासना, आठवां शब्द है अभ्यर्थना, नौवां शब्द है वासना, दसवां शब्द है कल्पना और ग्यारहवां शब्द है कामना। इन शब्दों के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि इन शब्दों के माध्यम से कवि ने कई न कई भगवान से प्रार्थना की गई है। अब हम इस काव्य एक एक काव्य पंक्ति को समझते हैं तो इस काव्य पंक्ति को देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदरम मांगल्य नित्य हो आराधना, यानी कि इस काव्य पंक्ति में देह मंदिर शब्द आया है। इस देह मंदिर शब्द, देह मंदिर यानी कि देह यानी कि हमारा शरीर तन, तन को मंदिर कहा गया है। दूसरा शब्द है चित, चित मंदिर, चित यानी कि हमारा मन, चित को मंदिर कहा गया है। और सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना, सुंदरम यानी कि सुंदर विचार, मांगल्य यानी कि मंगलकारी, मंगलकारी, नित्य यानी कि दररोज प्रतिदिन हर रोज, आराधना यानी कि पूजा करना। तो कवि इस ये हुआ इन काव्य पंक्ति का शब्द का अर्थ। अब हम इन काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है तो इसको समझते हैं तो कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, यानी कि देह रूपी मंदिर से और चित रूपी मंदिर से एक ही हमारी प्रार्थना भगवान से है कि हरेक इंसान देह और शरीर शरीर और मन से सत्य सत्य एवं शिवम, सत्यम शिवम एवं सुंदरम की आराधना हो, आराधना हो। हर कोई इंसान सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए, प्रत्येक इंसान के मन में सुंदर विचार आए यानी कि अच्छे विचार आए, किसी के भी प्रति अच्छा विचार आए और सब एक दूसरे के प्रति हित की बात सोचे, यानी कि एक दूसरे का अच्छा हो ऐसी बात सोचे, ऐसा उनके मन में एक दूसरे के प्रति हित के विचार उनके मन में भी आए, यही प्रार्थना कवि इस पंक्ति के माध्यम से करते हैं। अब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं, दुखियारों का दुख जाए हैं यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यानी कि यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में एक शब्द आया है मन कामना, मन कामना का अर्थ होता है इच्छा, वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा दुख, परख यानी कि अच्छे बुरे की परीक्षा करना,
और संवेदनाएं, संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति करना, एहसास करना। दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। रक्षणार्थ यानी कि दूसरों की रक्षणा, रक्षण करना। पौरुष या पौरुष यानी कि मर्दानगी, दूसरों की रक्षा करना, रक्षा करने के लिए साहस हो, शक्ति हो। और साधना यानी कि पूजा करना। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि दुखी लोगों के दुख से छुटकारा पाए, यानी कि दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए। यही मन कामना, यही कवि की इच्छा है। और वेदना को दूसरे दुखी लोगों की वेदना को हम समझ सके, ऐसी हमारे मन में, हमारे में अंदर संवेदना जागे, ऐसी हमें अनुभूति हो, ऐसी शक्ति है भगवान तू हमें दे। और जिन लोगों दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की साधना, यानी कि जिन लोग अपने दुखों का सामना नहीं कर सकते, दुख का सामना करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की हम ऐसे लोगों के दुख के प्रति हम रक्षण कर सके, ऐसी हमें ताकत दे, हमें ऐसी शक्ति और साहस दे, और ऐसी शक्ति और साहस का हम उपयोग करें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हम कर सके, साधना कर सके, दूसरों का दुख दूर कर सके, ऐसी शक्ति हे भगवान तू हमें दे, यही हमारी प्रार्थना है। नेक्स्ट पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तो इस काव्य पंक्ति को समझने से पहले हम इस काव्य पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द दिए गए हैं जो जिसका अर्थ हमें सबसे पहला समझना चाहिए। यहाँ पर शब्द दिया गया है नवतेज। इस शब्द नवतेज यानी कि नई चेतना। और दूसरा शब्द है अंतरंग। अंतरंग शब्द का अर्थ ये होता है कि हमारा अंतःकरण, हृदय। और भावना यानी कि भाव, हमारे मन में जो भाव होता है वो भाव। सुंदरता यानी कि अच्छे विचार, दूसरे लोगों का अच्छा करना, उसे सुंदरता कहा जाता है। सुंदर शब्द में भाववाचक संज्ञा लगाने की ता प्रत्यय, यानी कि ये भाववाचक ता प्रत्यय है, उस ता प्रत्यय को लगाने से सुंदरता शब्द बनता है। उसी प्रकार मानव शब्द में ता प्रत्यय लगाने से मानवता शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द भाववाचक शब्द बने, संज्ञा बनी है। यहाँ पर एक दूसरा शब्द है आश। आश शब्द का अर्थ ये होता है यानी कि आशा। उपासना यानी कि भगवान की साधना करना, उपासना करना, पूजा करना, भगवान से अच्छे दिल से, सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना, उसे उपासना कहा जाता है। शौर्य, शौर्य शब्द का मतलब होता है शूरवीरता। पावे यानी कि हरेक पावे यानी कि शौर्य हमें हमें शूरवीरता मिले, हमें हम शूरवीरता को प्राप्त करें। धैर्य यानी कि धीरज, धीरता पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना। तो कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि सबके जीवन में नई चेतना हो, हर एक इंसान के जीवन में नई चेतना हो, नए विचार हो, नए प्रकाश उनके मन में आए, अंतरंग में यानी कि सबके हृदय में नवी भावनाएं पैदा हो, नवी चेतना पैदा हो, और सबके मन में सुंदर आशाएं सबके मन में सुंदर आशा प्रकट हो, और सब मानवता की पूजा करे, यानी कि सब लोग, हरेक इंसान मानवता की पूजा करे, इंसानियत के बारे में सोचे, हरेक इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, दूसरे मनुष्य के बारे में इंसानियत से विचार करे, यानी कि दूसरे लोगों को दुख से बचाए और उनकी
मन में दूसरे लोगों के प्रति अच्छा विचार प्रकट करे, इसे इंसानियत कर कहते हैं। और हर एक इंसान को शूरवीरता प्राप्त हो, धीरजता प्राप्त हो, इस दुख को दूर करने के लिए संघर्ष संकट के सामने लड़ने के लिए उसे शूरवीरता प्राप्त हो, और उस शूरवीरता को संघर्ष को झजुमने के लिए उसके पास धीरजता धीरता भी प्राप्त हो, यही प्रार्थना कवि भगवान से करते हैं। यानी कि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से ये कवि ये कहते हैं कि यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। नेक्स्ट पंक्ति के बारे में अब हम समझते हैं, तो नेक्स्ट पंक्ति इस प्रकार है, जैसे कि भेद सभी के अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो इस काव्य पंक्ति को समझने से पहले हम उसमें जो शब्द दिए गए हैं, ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिस शब्द के अर्थ को समझना हमें यहाँ पर आवश्यक लगता है। तो ये शब्द हैं इस प्रकार, जैसे कि सबसे पहला शब्द है भेद। भेद का मतलब होता है भेदभाव। अस्त शब्द होता है, अस्त शब्द का मतलब अर्थ ये होता है यानी कि नष्ट करना, समाप्त करना। और वैर यानी कि दुश्मनी, वैर शब्द का अर्थ होता है दुश्मनी। वासना, वासना का मतलब होता है खराब इच्छा, बुरी इच्छा। और मुक्त, मुक्त यानी कि स्वतंत्र। और बंधुता यानी कि भाईचारा। और कामना, कामना का मतलब भी इच्छा होता है। कल्पना, कल्पना का मतलब भी स्वप्न। जिस प्रकार हम कोई स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न जैसे कि हमारे सामने हम आँख बंद कर लेते हैं तो भी हमारे सामने हम जैसे देखते हैं, कोई सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, कोई कार्य कर रहा है, ऐसा लगता है स्वप्न में भी, तो वो उसे कल्पना कहा जाता है, कल्पना करते हैं। उसी अर्थ में इस शब्द का मतलब निकाला गया है। तो इस अब हम इस काव्य पंक्ति को, इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं उसे समझते हैं। तो उसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे कि तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं, भेद सभी के अस्त हुए, भेद सभी के अस्त हुए यानी कि सभी का, जो मनुष्य मनुष्य के बीच जो जाति पाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, रंग का भेदभाव यानी कि गोरा काला, इस जो भेदभाव है, वर्ण का भेदभाव है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा जो ऊंच नीच का भेदभाव है, अस्पृश्यता का जो भेदभाव है, ये सभी इंसान के बीच का जो भेदभाव है ये नष्ट हो जाए। और वैर और वासना, ये वैर और वासना भी नष्ट हो जाए। वैर यानी कि इंसान के बीच जो दुश्मनावट है, जो वैर दुश्मनी है, उसको वो दुश्मनी भी नष्ट हो जाए। और उनके मन में जो खराब इच्छा है, खराब जो वासना है, काम वासना है, वो भी नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि तभी ये जो मानव के, ये जो विश्व मानव यानी कि हरेक इस विश्व में जो जो लोग बसे हुए हैं, वो कब एक हो सकते हैं, तो कि इस मानवों के बीच जो जाति पाति का भेदभाव, वैर दुश्मनी का भेदभाव, ये जो खराब इच्छा का जो भेदभाव है, ये नष्ट हो जाए, तब ये एक होने की, विश्व के लोग, सारे विश्व के लोग एक हो सकते हैं, ऐसी परिकल्पना यानी कि ऐसा स्वप्न तब साकार हो सकता है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। और तब हम मुक्त हो सकते हैं, तब हम स्वतंत्र हो सकते हैं, चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी कि कवि यहाँ पर स्वतंत्र होकर बंधुता की कामना को साकार करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस सारे विश्व के लोग को एक करने की कामना, एक करने की कल्पना, एक करने का स्वप्न कवि यहाँ पर देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस आराधना काव्य के माध्यम से कवि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करने की
साकार करने की भावना को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है इस काव्य के माध्यम से। तो यहाँ पर इस काव्य का भावार्थ, यहाँ पर काव्य की समझ समाप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस आराधना काव्य के माध्यम से कवि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और अब आप लोगों को इस काव्य में जो स्वाध्याय दिया गया है, शब्दार्थ टिप्पणी दी गई है, उसका आपको गृह कार्य के रूप में उसका अभ्यास करके स्वाध्याय पोथी में उसको नोट करना। अस्तु।